दोस्तों अभी तक हमको यही लग रहा है कि हमको सादे इंजिस ही लगवाने चाहिए, तो दोस्तों जरा रुकिए, कहानी यहीं से पलटने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर यह सुना होगा कि जो सादे इंजिस होते हैं वो ऑटो इंजिस के मुकाबले जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सादे इंजिस लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और ऑटो इंजिस जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यह सही बात है, जो सादे इंजिस होते हैं वो ऑटो इंजिस के मुकाबले ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमको सादे इंजिस लगवाने चाहिए? दोस्तों चलिए विस्तार से समझते हैं कि वास्तव में हमको कौन से इंजिस का यूज करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमको सबसे पहले इन दोनों इंजिस के मैकेनिज्म को समझना होगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले ये छोटा सा वीडियो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है सादे इंजिस, ये कुछ इस तरीके के सादे इंजिस होता है। अब मान लीजिए कि ये दरवाज़ा है, तो दरवाजे की धार के ऊपर इसको इस तरीके से खड्डा करके इसको बिठाया जाता है और फिर ये स्क्रू लगा दिए जाते हैं कबट में, तो ये दरवाज़ा फिक्स हो जाता है। और ये जो पूरा का पूरा है वो वन पीस में होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कबट में लगेगा, ये दरवाजे में लगेगा, बट ये दोनों के दोनों वन पीस। वन पीस यानी कि इसको असेंबल करने की ज़रूरत नहीं होती है, कंपनी से ही इसको वन पीस में दिया होता है। अब ये है अपने पास ऑटो इंजिस। ऑटो इंजिस में क्या होता है कि ये इस तरीके से दो पार्ट में होते हैं, ये जो होता है वो दरवाजे में लगता है, ये जो होता है वो कबट में लगता है, और फिर इन दोनों को इस तरीके से असेंबल कर दिया जाता है और इस स्क्रू को टाइट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर ये कभी भी ढीला हुआ तो दरवाज़ा, इसमें दरवाज़ा फिट होता है, ये इस तरीके से नीचे गिर जाता है। दोस्तों इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम और भी होती है कि ये जो पिन है, अगर मान लीजिए कि वह पिन कभी भी निकल जाती हैं तो ये इस तरीके से टूट जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से ये ऑटो इंजिस होते हैं वो कम चलते हैं, कंपेयर करें अगर इन सादे इंजिस के मुकाबले, तो ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, ये जितने चलते हैं उतने ये नहीं चलते हैं। और ये सादे वाले ऑटो इंजिस है, इसमें सॉफ्ट क्लोज ऑटो इंजिस भी आता है जो कि सक्सेस नहीं है। हमको अगर ऑटो इंजिस यूज़ करना भी है तो हमको ये वाले ऑटो इंजिस ही यूज़ करने हैं, क्योंकि ये सक्सेस हैं अगर हम कंपेयर करें सॉफ्ट क्लोज ऑटो इंजिस के, क्योंकि सॉफ्ट क्लोज में क्या होता है कि हाइड्रोलिक होता है और वो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो अब इसमें एक चीज़ और भी होती है कि ये बिल्कुल एकदम फ्री होता है, इसमें कोई स्प्रिंग नहीं लगी हुई होती है, और इसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है इसके लिए इस झटके से इसको डोर को बंद और खोलता है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने समझा कि जो सादा इंजन होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और लॉन्ग टाइम तक चलने की काबिलियत रखता है, और जो ऑटो इंजिस होता है वो सिर्फ एक स्क्रू के ऊपर टिका हुआ होता है, अगर वो स्क्रू अगर लूज हुआ तो ऑटो इंजिस खुल जाता है, या फिर उसकी एक पिन निकल गई तो वो ऑटो इंजिस टूट जाता है। दोस्तों अभी तक हमको यही लग रहा है कि हमको सादे इंजिस ही लगवाने चाहिए, तो दोस्तों जरा रुकिए, कहानी यहीं से पलटने वाली है। अब ये वाला पार्ट है, यह इस वीडियो का मेन पार्ट है, तो दोस्तों इस वीडियो को अब बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जिस कबट में सादे इंजिस का यूज होता है, उस कबट में जहाँ पर इंजिस लगता है वहाँ पर लेमिनेट ब्रेक हो जाता है, या फिर आपको लेमिनेट टूटा हुआ वहाँ पर दिखाई देता है, या फिर ऊंचा हुआ दिखाई देता है। अब दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि जो दरवाज़ा होता है वो राइट एंगल से ज़्यादा अगर खुल जाता है तो लेमिनेट वहाँ से ब्रेक हो जाता है। अब दरवाज़ा राइट एंगल से ज़्यादा नहीं खुले, उसके लिए हमको चेन का यहाँ पर उपयोग करना पड़ता है। अब चेन में क्या होता है कि चेन लॉन्ग टाइम में चेन भी खींच जाती है और फिर दरवाज़ा राइट एंगल से ज़्यादा खुलने लग जाता है। चेन लगाने के बावजूद भी हमारा दरवाज़ा राइट एंगल से ज़्यादा खुल जाता है और वह सनमाइका टूट जाती है। तो उस सनमाइका को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, वो थोड़े समय बाद सनमाइका टूटने वाली ही है। तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि सादे इंजिस में कोई स्प्रिंग वगैरह नहीं होता है, तो जो सादा इंजिस पर जो दरवाजे लगे हुए होते हैं वो अपने आप ही खुल जाते हैं जब हवा आती है तब। तो इस तरीके से अपने आप दरवाजे न खुले, उसके लिए हमको वहाँ पर मैग्नेट लगाना पड़ता है। अब मैग्नेट लगाने पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह क्रिएट हो जाती है कि अब हमको दरवाज़ा थोड़ा सा झटके से खोलना पड़ता है, क्योंकि जब तक मैग्नेट से दरवाज़ा छूटेगा नहीं तब तक खुलेगा नहीं। अगर मैग्नेट काफ़ी हेवी तरीके से उसको पकड़ रखा है तो हमको दरवाजे को जोर से खींचना पड़ता है। तो इसी तरीके से बार बार होने से जो हमारे दरवाजे के जो हैंडल होते हैं वो जल्दी से हिलने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऑटो इंजिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑटो इंजिस में स्प्रिंग भी लगी हुई होती है जिससे दरवाज़ा ऑटोमेटिक हवा से नहीं खुलता है, और न ही सनमाइका ब्रेक होती है क्योंकि ऑटो इंजिस अंदर की साइड लगता है, और मैग्नेट की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर दरवाज़ा बेंड होता है तभी मैग्नेट की ज़रूरत होती है, वरना मैग्नेट की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैग्नेट की ज़रूरत नहीं होती है, मैग्नेट लगा हुआ नहीं होता है, इसके लिए ऑटो इंजिस में लगा हुआ दरवाज़ा ईजिली खुल सकता है, ईजिली हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं।
यानी कि थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे दरवाजा ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मैग्नेट लगा हुआ है उसको जोर से खींचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम सादे इंजिन में होती है, बट ऑटो इंजिन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने की। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने शुरुआत में देखा और समझा कि ऑटो इंजिन जल्दी खराब हो जाता है तो उसका क्या, तो दोस्तों चलिए उसका आंसर भी मैं आपको देता हूँ। हम जब वह सारी चीजें समझ रहे थे तब हमने समय का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है, तो अब कर लेते हैं। दोस्तों जो सादा इंजिन होता है उसकी लाइफ 10 साल से ज्यादा होती है, कोई कोई तो 15-20 साल तक भी चल जाता है क्योंकि इसमें कोई ज्यादा मैकेनिज्म होता नहीं है। और जो ऑटो इंजिन होता है वो 7 से 8 साल तक तो वो भी चल जाते हैं, बट यहाँ पर शर्त एक ही है कि आपको ऑटो इंजिन अच्छे वाले यूज करने हैं और सॉफ्ट क्लोज वाले यूज नहीं करने हैं, क्योंकि सॉफ्ट क्लोज वाले जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अगर आपने ऑटो इंजिन अच्छे वाले यूज किए हैं और प्रॉपर तरीके से लगाए हैं तो 7 से 8 साल ये अच्छे से चल जाते हैं, इससे आगे भी वह चल जाता है। अब 7-8 साल के बाद हम चाहे तो ऑटो इंजिन नया डलवा सकते हैं, ना हमको मैग्नेट लगाने की जरूरत, ना हमको चेन लगाने की जरूरत, ना हमको जोर से दरवाजा खींचने की जरूरत, ना हैंडल खराब होने की कोई झंझट मारी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, घर के सारे जो खिड़की और दरवाजे होते हैं उनमें हमको ऑटो इंजिन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही वहाँ पर होता है। हमको वहाँ पर सादे इंजिन का ही यूज करना है, जो कि बड़े वाले आते हैं, काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और वही यूज में आते हैं। और जो बाकी की खिड़कियां होती हैं उनमें छोटे वाले, जैसे कि अभी हमने समझाया था, तब मैंने जो आपको इंजिन दिखाया था वो वाला इंजिन यूज होता है खिड़कियों में। तो दोस्तों घर के बाहरी दरवाजों में हमको सादे इंजिन ही यूज करने हैं। लेकिन उसका क्या, जो मैंने आपको कहा था कि हिंजिस की जगह से लेमिनेट टूट जाता है, तो चलिए अब उसका आंसर भी सुन लीजिए। जब हम घर के दरवाजे लगाते हैं तब जहाँ से इंजिस से सनमेगा टूटने वाली होती है वो सनमेगा हम पहले ही तोड़ देते हैं, क्योंकि हमको दरवाजे को इंस्टॉल करने में उस सनमेगा को पहले ही तोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों फाइनली फाइनल आंसर भी सुनते जाइए, आप ऑटो इंजिस का यूज कर सकते हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये सोच के बैठे हो कि 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल में आपका दरवाजा नीचे गिर जाएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। बस आपको थोड़ा मिस्त्री जो है वो अच्छे वाले हायर करने हैं और ऑटो इंजिन अच्छे वाले लेने हैं, बाकी सब कुछ आप भूल जाइए, आपका दरवाजा कहीं गिरने वाला नहीं है। बस आपको 8-9-7-8 साल में उसको फिर से चेंज करवा देना है, अगर खराब नहीं भी हुआ है तो भी उसको चेंज करवा देना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।